नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे और आपके चैनल सिंपल गेम होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि BS6 जो बाइक होता है उसमें कोई भी चोक का बटन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि BS4 तक हमें देखने को मिलता था यहाँ पर एक चोक का बटन होता था। ये जो है मेरे SP125 है और इसमें भी कोई चोक का बटन नहीं है, ये BS6 वर्सन है। तो जब मॉर्निंग में आप बाइक को स्टार्ट करोगे ना, तो जो होता है कि ऑटोमेटिकली इसका चोक एक्टिवेट होता है हो जाता है, ठीक है। इसका जो ऑटोमेटिक चोक है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको दिखा दो कि इसका ऑटोमेटिक चोक कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाबी को ऑन करूँगा, फिर आपको देखने को मिलेगा कि इसका ऑटोमेटिक चोक जो है कैसे काम करता है। मॉर्निंग में क्या होता है, ठंडा होने के कारण इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने रखा था पूछने के लिए गाड़ी को। तो अभी जो है मैं सेल्फ लूँगा और गाड़ी का साउंड कैसा आता है अब वो सुनना, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और फिर कुछ देर बाद गाड़ी का साउंड नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं माइक्रोफोन को जो है गाड़ी का साउंड में कितना चेंजेस है सुन सकते हो, उसके बाद क्या चेंज होता है वो भी सुन लेना, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक चोक एक्टिवेट है इसलिए इतना ज़ोर से आवाज़ हो रहा है। अब कुछ देर बाद ऑटोमेटिक चोक जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और आवाज़ देखना धीमे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो ऑटोमेटिक चोक जो है ऑफ हो गया, ठीक है। चोक ऑन था, इंजन को गर्म किया और ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इंजन तब बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, मतलब बहुत ज़ोर से चल रहा था। अब देखो नॉर्मल आइडल पे आ गया है, अब जो है आवाज़ सुन सकते हो कैसा है। अब मैं इंजन को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों यही था जो BS6 वाला जो जितने भी सारी गाड़ी है, मतलब कि मेरा SP125 में तो ऑटोमेटिक चोक ऐसा ही काम करता है जो कि मॉर्निंग के समय होता है, या फिर आप फर्स्ट टाइम जब गाड़ी को ऑन करोगे तो है ऑटोमेटिक चोक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली फिर से नॉर्मल स्टेज पे इंजन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।